हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गिरिजेश कुमार मल एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरुकुल। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक नरेशन का अध्ययन कर रहे हैं। नरेशन की सीरीज में फर्स्ट लेक्चर हमने आपको दे दिया था, जिसमें हमने रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन करना बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर देखिए आई कार्ड पे क्लिक करके पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा। क्योंकि मैंने आपसे पिछले लेक्चर में वादा किया था कि नरेशन की हम सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें कम से कम 3 लेक्चर में हम पूरे नरेशन को समझेंगे और बेहतर तरीके से हर प्रकार का कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो पहला लेक्चर आपने देखा, जिसमें हमने आपको वर्ब के टेंस में परिवर्तन तो बताया ही, साथ साथ जो अपवाद थे, एक्सेप्शन थे, उसको भी मैंने आपको बताया था। उसी सीरीज में आगे आज हम नरेशन के सेकेंड लेक्चर में प्रोनाउन की चेंजिंग समझेंगे और ऐसे शब्द जो स्थान या समय की निकटता बताते हैं उनमें किस प्रकार का परिवर्तन किया जाता है उसको हम समझेंगे। और साथ ही साथ हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना भी बताएंगे। तो आज का भी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन यदि आपने इसके पहले फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद आ गया ये। क्यों? क्योंकि वे सारे पिछले रूल्स जो हमने इसके पूर्व लेक्चर में बताए हैं वो इस लेक्चर में भी फॉलो किए जाएंगे, क्योंकि यह एक सीरीज है। बिना फर्स्ट लेक्चर के सेकेंड लेक्चर अधूरा हो जाएगा, तो बेहतर है कि क्रम से हम पढ़ें, बेहतर तरीके से पढ़ें और हर प्रकार का कंफ्यूजन दूर करें। तो आइए हम देखते हैं कि प्रोनाउन की चेंजिंग नरेशन में कैसे करते हैं। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। एक्चुअली प्रोनाउन क्या है, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले मेरे लेक्चर में मैंने हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन एग्जांपल सहित आपको बताए। मैंने उसमें बताया है आपको कि प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। वैसे तो प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम उसका यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आज केवल पर्सनल प्रोनाउन से मतलब है। नरेशन में पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम आज केवल पर्सनल प्रोनाउन पे डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में पर्सनल प्रोनाउन है तो उसको हम किस प्रकार डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय बदलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। और व्यक्ति विशेष कौन हो सकता है? सबसे पहले तो व्यक्ति विशेष मैं हूं, यानी आई या वी। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझसे या हमसे संबंधित जो प्रोनाउन है वो आ गया पर्सनल प्रोनाउन में, और मैं आपसे बात कर रहा हूं यानी यू, तो यू और यू योर योर्स जो डिफरेंट केसेस हैं, तो आपसे संबंधित जो प्रोनाउन है वो, और हम और आप जिस तीसरे के बारे में बातचीत कर रहे हैं जैसे वो, उसकी या वे, तो ये सब पर्सनल प्रोनाउन में आता है। पर्सनल प्रोनाउन को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इस चार्ट को देखिए। आप जब प्रोनाउन का विस्तृत अध्ययन करेंगे तो आपको पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ये चार्ट मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस चार्ट की हमें क्या आवश्यकता है? जी हां, है। एक्चुअली जब हम डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में ये जो
तीन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है इनमें कुछ चेंजिंग होता है। अब वो चेंजिंग इसी चार्ट के अनुसार होता है, तो बेहतर तरीके से आप प्रोनाउन की चेंजिंग समझने के लिए इस चार्ट को समझिए। मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार क्लियर कर दूं कि पर्सनल प्रोनाउन में, जैसा कि मैंने बताया था अभी, कि सबसे पहले व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग होता है, जैसे मैं या हम, यानी कि जो हमसे या मुझसे संबंधित प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन में आता है। देखिए यहां पे सीधे सीधे फर्स्ट पर्सन में आई एज ए सिंगुलर और वी एज ए प्लूरल, बहुवचन के रूप में वी का प्रयोग होता है और सिंगुलर के रूप में आई का प्रयोग होता है। लेकिन ये नॉमिनेटिव केस में, यानी सब्जेक्ट के रूप में यदि हमें प्रयोग करना है तो हम सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में आई का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के रूप में हम वी का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव केस में, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में हमें प्रयोग करना होगा, तो यहां पे मी और अस का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से अधिकार प्रकट करने के लिए यहां पे देखिए पॉसेसिव केस का प्रयोग करते हैं, रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? तो अब अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउन है तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर करते हैं कि वह प्रोनाउन किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है या सेकेंड पर्सन का है या थर्ड पर्सन का है। क्लियर? पहले हम डिसाइड करेंगे किस पर्सन का है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो जो प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच, मैं बात कर रहा हूं रिपोर्टेड स्पीच की, रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पोर्शन होता है, ध्यान रखिएगा मैंने आपको पिछले लेक्चर में विधिवत तरीके से बताया। तो सबसे पहले तो हम प्रोनाउन को देकर के इस चार्ट के अनुसार ये डिसाइड करते हैं कि वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है या फर्स्ट पर्सन का, फिर हम ये देखते हैं कि वो किस केस में है, यानी कि कर्ता के रूप में है या ऑब्जेक्ट यानी कर्म के रूप में है या अधिकार बता रहा है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। क्लियर हो गया? अब अगर वो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, चाहे जिस भी केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है या पॉजिटिव केस में है या रिफ्लेक्सिव केस में है, जिस भी केस में है, अगर वो फर्स्ट पर्सन का है प्रोनाउन, तो फिर हम उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। लेकिन ध्यान रहे केस वही रहता है, यानी अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। इसको बेहतर समझने के लिए हम आइए एग्जांपल्स का सहारा लेते हैं। पहले रूल्स अभी मैंने क्या आपको बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदल देते हैं, लेकिन केस वही रहता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट से यही त्रुटि होती है। और आपको एक चीज और क्लियर कर दें, यदि नरेशन में या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में अगर प्रोनाउन की चेंजिंग आपको आ गई तो बाकी आप बहुत सरल तरीके से चेंज कर लेते हैं। ज्यादातर कंफ्यूजन यही होता है बच्चों से। पहली चीज, प्रोनाउन का जो पर्सन है नंबर और जेंडर नहीं बदल पाते हैं, और अगर वहां ये बदल लेते हैं तो केस चेंज कर देते हैं। अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में है तो सब्जेक्ट के रूप में बदल देते हैं। तो इसको बेहतर तरीके से एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझते हैं। सपोज दैट ये सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, सी सेट कामा इनोटेड कामा आई वांट टू कंसल्ट माय पेरेंट्स। चूंकि यहां पे देखिए ये इनवर्टेड कामा में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में है। क्लियर हो गया? अब हम सबसे पहले ये देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में। अगर प्रेजेंट टेंस में है
या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता, और अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस भी पास्ट फॉर्म में हो जाता है। ये तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। आज हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। तो यहां पे देखिए, यहां पे इस रिपोर्टेड स्पीच में, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें देखिए, यहां प्रोनाउन के रूप में आई है और यहां प्रोनाउन के रूप में माई है। क्लियर। हम सबसे पहले यह पता लगाएंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन प्रयोग किया गया है वो किस पर्सन में है। तो यहां देखिए, ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये टेबल आपको दिख रहा है। अब यहां पे देखिए, आई पहला प्रोनाउन क्या है, आई ना, आई कहां पे है, देखिए आई जो है यहां देख रहे हैं आप, आई है, यानी कि आई जो है ये फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में है। क्लियर हुआ। तो ये आई हमारा किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में। हम दूसरे वाले प्रोनाउन की बात कर ले, माई की, तो माई भी देखिए यहां पे ये है, माई भी किस में है, फर्स्ट पर्सन में है। क्लियर। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में ये जो दोनों प्रोनाउन प्रयोग किए गए हैं ये दोनों फर्स्ट पर्सन के हैं। क्लियर। अब हमें इस वाक्य को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो सेड है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा, कामा इन ऑर्डर कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। क्लियर। अब ये प्रोनाउन जो है आई, इसको हमको चेंज करना है, यहां पे इसको चेंज करना है। अभी ऊपर आपको रूल्स में दिख रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार देखिए चेंज होगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है ये जिस पर्सन का होगा, जिस जेंडर का होगा और जिस नंबर का होगा, उसी पर्सन, उसी नंबर और उसी जेंडर का प्रोनाउन यहां पे प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। लेकिन केस वही रहता है, यानी कि आई जो है वो नॉमिनेटिव केस में है, यहां देखिए नॉमिनेटिव केस में है, यानी सब्जेक्ट के रूप में है, कर्ता के रूप में है, तो जो प्रोनाउन होगा वो नॉमिनेटिव केस में ही प्रयोग किया जाएगा। अब हम डिसाइड करते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार हम इसको चेंज करेंगे। क्लियर। अब यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है ये किस पर्सन में है, यहां देखिए ये थर्ड पर्सन में है। कैसे थर्ड पर्सन में है, यहां देखिए सी यहां है, सी अगर कोई नाम है तो वो भी थर्ड पर्सन में काउंट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये थर्ड पर्सन है, यानी कि ये थर्ड पर्सन की हो। और फिर क्या देखेंगे, नंबर यानी वचन, ये सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल में है, तो यहां देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिंगुलर, यानी कि ये सिंगुलर हो गया। क्लियर। अब हम ये देखेंगे कि ये प्रोनाउन जो है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, ये किस जेंडर में है, तो देखिए यहां पे फेमिनिन जेंडर में है। क्लियर। यानी कि यहां रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वो जब भी प्रयोग होगा तो वो जो प्रोनाउन प्रयोग होगा वो थर्ड पर्सन का होगा, सिंगुलर नंबर में होगा और फेमिनिन जेंडर में होगा। ठीक है। तो अब हम यहां पे देखते हैं कि थर्ड पर्सन, ये तीनों जो शर्त है, तीनों जो कंडीशन है वो कैसे फुलफिल हो रहा है। देखिए थर्ड पर्सन में सी भी है, थर्ड पर्सन में इट भी है, थर्ड पर्सन में दे भी है और थर्ड पर्सन में ही भी होता है। यहां पे देखिए ही भी है दिया हुआ है। क्लियर। ही सी इट और दे सब्जेक्ट के रूप में, चूंकि यहां पे देखिए ये सब्जेक्ट के रूप में ही तो है, ये सब्जेक्ट के रूप में ही तो यहां पे आई है, तो यहां पे सब्जेक्ट के रूप में ये चार, थर्ड पर्सन में चार प्रोनाउन हुए, ही सी इट और दे, ये पहली शर्त तो हमारी हो गई। क्लियर।
यानी जो प्रोनाउन होगा वो इन्हीं चारों में से होगा। क्लियर। अब दूसरा शर्त क्या है, सिंगुलर होना चाहिए। तो सिंगुलर में देखिए यहां पे दे प्लूरल में है, यहां पे देखिए इसलिए दे तो होगा ही नहीं। ठीक, ही हो सकता है, सी हो सकता है और इट हो सकता है। क्लियर। तो अब ये भी हमारी शर्त हो गई, यानी बचे हमारे पास तीन, ही सी और इट। क्लियर हुआ। अब ही सी इट में से तीसरी शर्त देखते हैं, जेंडर। जेंडर यानी फेमिनिन होना चाहिए। यहां पे देखिए ही जो है मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रयोग होता है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ही भी नहीं होगा। इट की जब बात करते हैं, इट निर्जीव है तो सिंगुलर, लेकिन निर्जीव के लिए प्रयोग होता है, इसका मतलब इट भी नहीं होगा। फिर क्या होगा, सी होगा, यानी कि यहां पे जो प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा यहां वो सी होगा। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार ये सेंटेंस बना। यहां देखिए, सी शेड दैट सी वांटेड टू कंसल्ट हर पैरेंट। अब यहां पे देखिए आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग हुआ, तो यहां पे सी है तो सी के साथ अपने के लिए क्या होगा, यहां पे देखिए पॉजिटिव केस में हर है ना, तो हर हो गया। क्लियर हुआ। आइए हम और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। पहले तो इसको हम मिटा दें। हम नेक्स्ट सेंटेंस लेके देखते हैं। यू सेड आई वॉन्ट टू कंसल्ट माई पेरेंट। अब यहां पे देखिए माई पेरेंट्स, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इस वाले वाक्य में, ये सेम वही है जो इसके पहले सेंटेंस में था। तो इतना तो क्लियर हो गया आपका कि ये जो प्रोनाउन है भी और ये प्रोनाउन, ये दोनों फर्स्ट पर्सन के हैं। तो बदलेंगे तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है ये किस पर्सन में है, ये यू है ना। यू का मतलब यहां देखिए सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का है तो फिर अब जो वाक्य चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में जब बनेगा, तो यहां पे जो प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा ये वो सेकेंड पर्सन का होना चाहिए। यहां पे देखिए यू सेड दैट, अब चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का था, इसलिए यहां पे ये देखिए सेकेंड पर्सन का हो गया। क्लियर। देखिए माई यू हो गया, और चूंकि आई के साथ माई था तो यू के साथ अपने के लिए यहां पे योर हो गया। ठीक है। तो अब यहां पे देखिए सेम प्रोनाउन है, सेम रिपोर्टेड स्पीच है, लेकिन चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट का पर्सन अगर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में भी परिवर्तन हो जा रहा है। यहां पे यू हो गया है, पहले वाले वाक्य में देखिए सी था। क्लियर। आइए हम और सेंटेंस देते हैं, देखते हैं। आई सेट आई वॉन्ट टू कंसल्ट माई पेरेंट्स। यहां भी देखिए रिपोर्टेड स्पीच में सेम सेंटेंस है, लेकिन अब ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में। तो जब ये फर्स्ट पर्सन में है, तो जब हम इस पूरे रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे तो जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन का होगा ना। तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार ये हो गया, आई सेड दैट आई वांटेड टू कंसल्ट माई पेरेंट्स। क्योंकि अब यहां पे देखिए सीधे सीधे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है जब फर्स्ट पर्सन में ही है, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर तो आई ही तो केवल है, यहां पे देखिए प्लूरल के रूप में भी है, इसलिए यहां पे आई का आई ही है आपको जो दिख रहा है। क्लियर। ये देखिए माई का माई। क्लियर हुआ। अब आइए हम नेक्स्ट। अभी आपने सीखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो उसको आप किस प्रकार चेंज कर रहे थे। अब हम आपको इसके बाद बताने वाले हैं
कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसको हम किस प्रकार चेंज करेंगे। देखिए यहां पर, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदल देते हैं, लेकिन केस वही रहता है। इसको एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। यहां पे देखिए एक सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, अशोक सेड टू मी योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। यहां पे देखिए, यहां रिपोर्टेड स्पीच में ये किस पर्सन का प्रोनाउन है सबसे पहले ये डिसाइड करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, चार्ट देखेंगे, टेबल देखेंगे। यहां चार्ट में देखिए यू और यहां पे योर है, योर यानी कि यहां पे देखिए ये पॉजिटिव केस है और यू यहां पे देखिए चूंकि वर्ब के बाद है इसलिए यहां पे है ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन है ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। क्लियर? तो जब ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या होगा, ये जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदलेगा। क्लियर हुआ? देखिए अब यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ये किस पर्सन में है, मी है ना, तो मी यानी कि यहां है, देखिए ये फर्स्ट पर्सन में है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन में होगा। क्लियर हुआ ना? तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अशोक टोल्ड मी दैट माय पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर मी। यहां पे देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो यहां पे सेड को हम टोल्ड में बदल दिए हैं। क्लियर? कामा इन ऑर्डर कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, ये भी क्लियर हो गया। और ये चूंकि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन था तो ऑब्जेक्ट के अनुसार माई में चेंज हो गया। अब माई में क्यों चेंज हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार होगा, लेकिन केस वही रहेगा। यहां पे देखिए केस वही रहेगा, तो चूंकि ये जो प्रोनाउन है ये किस केस में है, पॉजिटिव केस में है, तो यहां पे जो प्रोनाउन होगा वो फर्स्ट पर्सन का तो होगा लेकिन पॉजिटिव केस में होगा ना, तो पॉजिटिव केस में फर्स्ट पर्सन में देखिए यहां पे माई। क्लियर? अब ये ऑब्जेक्टिव केस में था यहां पे देखिए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोनाउन होगा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में देखिए मी ही है। क्लियर हो गया ना? अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अशोक सेड टू यू योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। देखिए रिपोर्टेड स्पीच सेम है लेकिन अब यहां पे चूंकि अभी मैंने आपको बताया कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदलेगा। जिस पर्सन का ये ऑब्जेक्ट होगा उसी पर्सन का प्रोनाउन यहां और यहां प्रयोग होगा, जिस नंबर का होगा उसी नंबर, नंबर से मतलब यह है वचन, एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, ठीक है। और जेंडर यानी लिंग, स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में होगा, पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में होगा। क्लियर? तो अब चूंकि यहां भी देखिए सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के रूप में इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भाई ये रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और चूंकि ऑब्जेक्ट भी सेकेंड ही पर्सन का है तो फिर चेंज क्यों होगा, भाई नहीं होगा। क्लियर? आइए हम और एग्जांपल लेके देखते हैं। अशोक सेड टू हिम योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। क्लियर? अब यहां पे देखिए ये तो सेकेंड पर्सन का है प्रोनाउन लेकिन जब ये बदलेगा इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार तो यहां ऑब्जेक्ट तो हमारा थर्ड पर्सन में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये थर्ड पर्सन में होंगे, और थर्ड पर्सन में ये हिम जो है सिंगुलर नंबर है, मैस्कुलिन जेंडर है, इसका मतलब ये कि यहां और यहां थर्ड पर्सन का मैस्कुलिन जेंडर प्रयोग होगा।
क्लियर। लेकिन केस वही रहेगा, अर्थात पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए, अशोक टोल्ड हिम दैट हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर हिम, क्लियर हुआ। चलिए आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहां पे, आई सेड ही डज नॉट वर्क हार्ड। अब यहां पे देखिए, ये जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन दिया हुआ है ये किस पर्सन में है, ही है ना, ही, यानी कि यहां देखिए ही है, तो ही किस में है, थर्ड पर्सन में है। इसका मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल कनेक्टिंग वर्ड दैट लगाएंगे, और चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का ये जो वर्ब है इसका जो टेंस ये भी पास्ट टेंस में होगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए, आई सेड दैट ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्लियर हुआ। चलिए और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यू सेड दे हैव स्पोकन द ट्रुथ टू देयर पेरेंट्स। यहां पे देखिए, दे और देयर ये दोनों किस पर्सन में है, दे यहां पे देखिए थर्ड पर्सन में और देयर ये सब्जेक्ट के रूप में है यानी नॉमिनेटिव केस में है, और देयर यानी पॉजिटिव केस में है। तो अब ये चूंकि थर्ड पर्सन का है तो कोई परिवर्तन ही नहीं होना है, बस सेम उसी तरीके से हो जाएगा, बस क्लियर। अब एक चीज आपको बता दें, क्लियर, ये तो रूल्स है। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक, मैं क्लू बता रहा हूं, आप अपने दिमाग में ये शब्द याद रखिए, सन, यस ओ एन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो यस ओ एन है ये क्या है। एक्चुअली इसमें यस ओ एन में यस जो है ये स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, एन इट मींस नो चेंज, क्लियर। अब इसका इससे क्या कनेक्शन है, सुनिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, देखिए यहां पे इसको हम क्लियर कर दें तो ज्यादा आपके बेहतर समझ में आएगा। देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदलेगा, क्लियर। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का है, देखिए, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदलेगा, क्लियर हुआ ना। और यदि यहां पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन थर्ड पर्सन में, देखिए हाईलाइट हो रहा है, थर्ड पर्सन में है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, बस ये आप ध्यान रखिएगा, सन। अब हम आइए आगे देखते हैं, आगे की चेंजिंग क्या है। चेंजिंग इन वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस, क्लियर। अभी तक आपने सीखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो उसको पास्ट फॉर्म में बदल दे रहे थे, क्लियर। उसके बाद आपने सीखा कि यदि प्रोनाउन है तो उसमें हम किस प्रकार की चेंजिंग करते हैं। अब आगे का जो ये रूल्स है वो है ऐसे शब्दों की चेंजिंग करना जो समय और स्थान की निकटता दर्शाते हैं, क्लियर हुआ। एक्चुअली डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर कुछ ऐसे शब्द दिए रहते हैं जो समय और स्थिति की निकटता दर्शाते हैं, नियरनेस दर्शाते हैं। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इक्वली बैलेंट यानी समतुल्य दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। अब इसको आप बेहतर तरीके से इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में देखिए नाउ है तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो देन में कर देंगे, दिस है तो दैट में कर देंगे, दीज है तो दोज में कर देंगे, देखिए हियर है तो देयर कर देंगे, हैंस है
तो दंस कर देंगे, इसी तरह कम है तो गो कर देंगे, टुडे है तो दैट डे, टुमारो तो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट, एगो है तो बिफोर कर देंगे। इसको हम एग्जाम्पल्स के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आइए, सेंटेंस है, राम सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक नाउ। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, आप ये ध्यान देंगे क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है, तो ये पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस है इसका मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है इसका टेंस बदलेगा, और इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये टोल्ड में हो जाएगा। क्लियर, कामा इनवर्टेड कामा हटाएंगे ये, और इसके जगह पे आप दैट लगाएंगे। प्रोनाउन है चूंकि फर्स्ट पर्सन का है तो ये इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदलेगा। क्लियर, यहां पे देखिए नाउ दिया हुआ है तो ये टाइम का नियरनेस दिखाता है, तो इसको हम किसमें बदलेंगे, नाउ को देन में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए राम टोल्ड मी दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक देन। देखिए यहां पे आई किस प्रकार ही में बदला, क्यों, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और जेंडर के अनुसार बदलेगा, क्योंकि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो नाम है, नेम है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई नाम है तो उसको हम थर्ड पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, तो थर्ड पर्सन हो गया, और चूंकि लड़के का नाम है तो मैस्कुलिन जेंडर हो गया, एक लड़का है तो सिंगुलर नंबर हो गया, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर में सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग होगा। क्लियर हुआ, और एग्जांपल्स देखते हैं, गोविंद सेड आई सॉ द ताज 2 years ago। यहां पे देखिए बाकी सेम रूल्स हैं, सब एगो को आपने बिफोर में चेंज कर दिया। ठीक है, और आइए देखते हैं, आंसू सेड टू अमन मीरा विल गो टू स्कूल टुमारो। देखिए यहां पे टुमारो है, टुमारो यानी द नेक्स्ट डे होगा, बाकी चेंजिंग पूर्ववत रहेगी, जैसा मैंने आपको बताया, सेट टू को आप टोल्ड में बदलेंगे, कामा नोट कामा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, विल को उड में बदल देंगे। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, आंसो टोल्ड अमन दैट मीरा, यहां पे थोड़ी सी चूक हुई है, ये विल नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा उड। क्लियर, इट इज अ टाइपिंग मिस्टेक, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर, अब आगे आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, प्रकाश सेड टू हरीश आई डिड नॉट बाय दिस बुक यस्टरडे। यहां भी देखिए यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे हो जाएगा, और चूंकि ये डिड नॉट है यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल गया है, देखिए चूंकि निगेटिव में है तो पास्ट परफेक्ट के निगेटिव में हो गया। क्लियर हुआ, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, क्या है, ऐसा नहीं है कि जो समय और स्थिति की निकटता बताने वाले जो शब्द हैं उनको हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं, इसका कुछ अपवाद है, क्या है वो देखिए, कम को गो में हम केवल तभी बदलते हैं जब इसके बाद कोई अन्य शब्द आए, अन्यथा ये अपरिवर्तित रहता है। जैसे यहां पे देखिए ये सेंटेंस है, ही सेड राम विल कम। अब यहां पे देखिए कम के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई शब्द नहीं है, सॉरी कम के बाद कोई शब्द नहीं है, तो जब कोई शब्द नहीं है तो कम को कम ही रहने देंगे, हम उसमें चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी परिवर्तन पूर्ववत होगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए ही सेड दैट राम वुड कम, लेकिन लेकिन अगर इस कम के बाद कोई शब्द है तो फिर इस कम को हम किस में बदलेंगे, गो में बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए ही सेड राम विल कम टू मी, तो यहां देखिए कम के बाद आया है ना ऑब्जेक्ट, तो अब यहां पे ये जब चेंज होगा तो गो में हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे आइए देखते हैं दूसरा अपवाद क्या है, यदि दिस हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करे जो वक्ता के सामने हो, रिपोर्टिंग के समय वक्ता के सामने हो, जब हम
वक्ता की कही हुई बात को, स्पीकर की कही हुई बात को जब व्यक्त करते हैं, अगर उस समय वक्ता है तो फिर दिस, हियर और नाउ को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। ये दिस का दिस ही रहेगा, हियर का हियर ही रहेगा, नाउ का नाउ ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहां पे, श्याम सेट दिस इज माई पेन। यहां पे ये जब स्टेटमेंट हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो श्याम है, तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, टेंस का परिवर्तन तो होगा, हम बात कर रहे हैं निकटता बताने वाले शब्दों में परिवर्तन की, उससे संबंधित हम अपवाद पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए और एक सेंटेंस देखिए, द गर्ल सेड टू हर फ्रेंड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। मैंने अभी बताया कि यदि रिपोर्टिंग उसी दिन या उसी स्थान पे की जाती है जहां की वक्ता यानी स्पीकर उपस्थित है, तब टाइम व प्लेस को व्यक्त करने वाले जो शब्द है ना, इनको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, द गर्ल टोल्ड हर फ्रेंड दैट सी वॉज ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार आपने समय और स्थिति की निकटता को बताने वाले शब्दों को भी परिवर्तन करना सीख लिया। अब हम आगे आके देखते हैं, क्या देखते हैं आगे देखिए यहां पे, रूल्स फॉर चेंजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को इनडायरेक्ट में बनाना होता है तो हम वर्ब के टेंस में परिवर्तन करते हैं, प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं, समय और स्थिति की निकटता बताने वाले शब्दों में परिवर्तन करते हैं, और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं, अलग अलग प्रकार के जो वाक्य हैं, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, तो हर प्रकार के वाक्यों को अलग प्रकार से बदला जाता है, अलग तरीके से बदला जाता है। ऐसा नहीं है कि असर्टिव सेंटेंस के वाक्य को जिस तरीके से आपने बदला तो इंट्रोगेटिव वाक्य को भी उसी तरीके से बदल देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हर प्रकार के वाक्यों को अलग से बनाने का तरीका है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अब हम उसको सीखेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो सेंटेंस हैं उनको कैसे चेंज करेंगे। क्लियर? जैसा कि आप जानते हैं कि मीनिंग की दृष्टिकोण से जो सेंटेंस हैं पांच प्रकार के होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस, जिसमें स्टेटमेंट दिया जाता है, जिसमें कथन व्यक्त किया जाता है। आपने जो स्टार्टिंग में पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था वर्ब के टेंस में परिवर्तन, वो सारे परिवर्तन एसर्टिव सेंटेंस के थे। क्लियर? जिसमें हमें किसी कार्य की जानकारी मिलती है। ठीक, दूसरे प्रकार का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्य, और एक्सक्लेमेटरी यानी विषमादि बोधक वाक्य। तो अब हम, चूंकि पिछले लेक्चर में हम एसर्टिव सेंटेंस सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएं। क्लियर? चलिए, रूल्स फॉर चेंजिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इंटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? अब यहां पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लें। यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से वाक्य होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और इस सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चंस क्वेश्चन होता है, यानी कि प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस दैट आस्क अ क्वेश्चन एंड ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब वैसे दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। पहला वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग किसी प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी सहायक क्रिया या मॉडल ऑक्सिलरी से होती है। जैसे यहां देखिए, आर यू ए स्टूडेंट, विल यू गो टू आगरा टूडे, हैव यू डन योर वर्क। ये जो तीनों सेंटेंस हैं, इसमें देखिए सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है ना, या तो ऑक्सिलरी वर्ब से है या मॉडल ऑक्सिलरी से। जैसे सेंटेंस नंबर ए में आर है मॉडल, सॉरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी है। विल है सेकंड सेंटेंस में, मॉडल ऑक्सिलरी है। तो इस तरीके से ऐसे वाक्य जिसकी स्टार्टिंग
प्राइमरी ऑक्सिलरी से हो रही है यानी सहायक क्रिया से हो रही है, मॉडल ऑक्सिलरी से हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं ए टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य। इसका उत्तर आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं। जैसे आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम छात्र हो? यस आई एम ए स्टूडेंट, हाँ हाँ मैं छात्र हूं। या नो आई एम नॉट ए स्टूडेंट, मैं छात्र नहीं हूं। और दूसरे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, वो सेंटेंस होते हैं जिनकी स्टार्टिंग किसी न किसी प्रश्न सूचक शब्द से होती है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर इत्यादि से होती है। दोनों अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तो जो वाक्य किसी प्रश्न सूचक शब्द से शुरू होता है, जैसे ये है, ये है, इनको हम बी टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। हम दोनों को अलग अलग प्रकार से चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ए टाइप के जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनको चेंज करना सीखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेट टू को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। क्लियर हुआ? फिर क्या करते हैं, जो आप असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते थे, यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता, ठीक। और तीसरा, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है ना, इसको चेंज करने से पहले हम असर्टिव फॉर्म में बदल देते हैं और पिछला जो रूल्स है वो फॉलो होता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट टेंस में होगा, सेम। क्लियर? और जो रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में जो प्रश्नवाचक का चिन्ह होता था उसके जगह पे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। और कामा, इन्वर्टेड कामा हटा के जो दैट लगाते थे ना असर्टिव सेंटेंस में, उसके स्थान पे इफ या वेदर का प्रयोग हम करते हैं। बाकी सारे नियम हमारे वही हैं पिछले। क्लियर? देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ हो रहा है तो इफ या वेदर लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब लिखते हैं। इसको हम एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। जैसे यहां पे देखिए, राम सेड टू मोहन आर यू गोइंग टू स्कूल। अब यहां देखिए, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है डायरेक्ट स्पीच में, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और किस टाइप का है, ए टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले तो ये जो सेड टू है इसको हम आस्क्ड में बदलेंगे और कामा और इन्वर्टेड कामा ये जो हटा करके हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और दूसरी चीज मैंने क्या बताया, चेंज करने से पहले ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य जो है इसको हम असर्टिव फॉर्म में करेंगे। तो जब हम असर्टिव फॉर्म में करेंगे तो ये आर यहां आएगा ना, यू आर गोइंग टू स्कूल, यानी कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हुआ। तो जब चेंज होगा तो किस में होगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तो क्या होगा, यहां पे देखिए, राम आस्क्ड मोहन इफ ही वाज गोइंग टू स्कूल। क्लियर? और एग्जांपल लेके देखते हैं, माय ब्रदर सेड टू मी विल यू गिव मी योर पिन। प्रोनाउन की चेंजिंग पहले की तरह होगी, सारे जो वर्ब हैं वर्ब के टेंस में जो परिवर्तन है पहले की तरह होगा, सब कुछ पिछले सारे नियम। नरेशन की एक खासियत है कि पिछले सारे नियम जो हैं वो फॉलो होते रहते हैं। अब ये सेंटेंस है, माय ब्रदर सेड टू मी विल यू गिव मी योर पेन, तो क्या हो जाएगा इसका, यहां पे देखिए, माय ब्रदर आस्क्ड मी इफ आई वुड गिव हिम माय पेन। प्रोनाउन की चेंजिंग ध्यान दीजिएगा, यहां सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, लेकिन ये प्रयोग किसके अनुसार होगा, ये इसके अनुसार होगा। तो माई ब्रदर यानी थर्ड पर्सन में हो जाएगा, इसलिए ही हो गया, हिम हो गया, ठीक। और यू के साथ अपने के लिए योर हुआ है, इसलिए आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग हुआ है। क्लियर हुआ? और हम वाक्य लेके देखते हैं, सीता सेड टू गीता कैन यू सिंग ए सॉन्ग। यहां पे देखिए, यहां भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो सीता आस्क्ड गीता वेदर सी कुड सिंग ए सॉन्ग। एक वाक्य और लेके दे समझते हैं, रितु सेड टू द टीचर सर मे आई गो होम। अब यहां देखिए, यहां भी
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, लेकिन यहां पे सर का प्रयोग कर दिया गया है। रितु ने अध्यापक से कहा, सर क्या मैं घर जा सकती हूं? तो अब चूंकि यहां सर का प्रयोग हुआ है तो आस्क्ड तो होगा, लेकिन इसमें एक शब्द हम जोड़ देंगे रिस्पेक्टफुल्ली, तो क्या हो जाएगा, रितु आस्क्ड द टीचर रिस्पेक्टफुल्ली इफ सी, और मे को माइट में बदल देंगे, माइट गो होम। क्लियर, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। लेकिन ये तो ए टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य थे जिनमें आप सेंटेंस की स्टार्टिंग प्राइमरी ऑक्सिलरी से या मॉडल ऑक्सिलरी से हो रहा था, उसको आपने चेंज करना सीखा। अगर मान लीजिए बी टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी किसी प्रसूचक शब्द के द्वारा अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हुई है, तो जो इफ या वेदर हम कनेक्टिंग वर्ड के रूप में ये लगा रहे थे ना, ये इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इफ या वेदर जो लगा रहे थे नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम यहां पे देखिए एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब यहां पे देखिए ये सेड टू जो है आस्क्ड में तो बदलेगा, लेकिन ये जो कामा और इनवर्ट कामा हटा करके जो इफ या वेदर लगाते थे वो नहीं लगाएंगे। ये जो प्रसूचक जो शब्द है ना, इंट्रोगेटिव जो वर्ड है, यही कनेक्टिंग वर्ड का काम करता है। जैसे हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। अब आई वॉज डूइंग क्यों होगा भाई, देखिए यहां पे चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया, ये भी समझ में आ गया आपके। अब ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है इसलिए यहाँ पे ये जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा। क्लियर, और एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड मी वेयर विल यू गो टुमारो। अब यहां भी देखिए वेयर है इसलिए इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी पूर्ववत चेंजिंग है। सेट को आपने आस्क्ड में बदला, वेयर कनेक्टिंग वर्ड का काम कर रहा है, विल को आपने वुड में बदल दिया, ओके, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसके अनुसार आपने आई में बदल दिया, और टुमारो को देखिए आपने द नेक्स्ट डे में बदल दिया। क्लियर, चलिए और आगे देखते हैं। एक सेंटेंस, द टीचर सेड टू हरी व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। क्या होगा इसका, बहुत इजी है। द टीचर आस्क्ड हरी व्हाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे। क्लियर, तो डियर स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आज हमें यहीं पे रोक देना चाहिए। आज आपने बहुत कुछ सीखा, बाकी जो इंपरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन हिट करना ना भूलिए, और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, तभी तो आप हमसे जुड़े रहेंगे और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलता रहेगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूं, तो होमवर्क के रूप में आप ये ले लीजिए कुछ सेंटेंस जिसको आप अपने कॉपी में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करके नोट कर लीजिएगा। आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपने कितना समझा, मेरे लेक्चर से आपको कितना फायदा हुआ। तो अगेन आपको थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।